साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम MR 309 कोड फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो फोर्थ टॉपिक है जनरल टर्मिनोलॉजी, उस पर अध्ययन करेंगे। साथियों फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में अध्ययन करने से पहले इस सब्जेक्ट पर जो प्रमुख रूप से शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जो टर्म्स प्रयोग की जाती हैं, आज हम उन टर्म्स को वन बाय वन समझेंगे। इसमें जो टॉपिक सब टॉपिक है 1.4 जनरल टर्मिनोलॉजी, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। इस फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। इसमें जो फर्स्ट है फायर लोड यानी अग्नि भार, तो इसका मतलब है कैलोरीफिक एनर्जी। कैलोरीफिक एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज्ड इन एनी कंबस्शन, दहन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कैलोरीफिक एनर्जी बोलते हैं। तो कैलोरीफिक एनर्जी ऑफ द होल कंटेंट कंटेंड इन स्पेस, किसी स्पेस के अंदर जिसमें कि इंक्लूड है फेसिंग ऑफ द वॉल्स, पार्टीशंस, फ्लोर मतलब फर्श, और सीलिंग मतलब जो कमरे के अंदर ऊपर देखते हैं वो सीलिंग कहलाती है। तो द कैलोरीफिक एनर्जी ऑफ द होल कंटेंट कंटेंड इन स्पेस इंक्लूडिंग द फेसिंग ऑफ द वॉल्स, पार्टीशन, फ्लोर एंड सीलिंग्स इज कॉल्ड फायर लोड। सेकेंड है फायर टावर यानी अग्नि मीनार। एन इनक्लोज्ड स्टेयरकेस यानी ऐसी सीढ़ियां जो गिरी हुई हों विच कैन ओनली बी अप्रोच्ड फ्रॉम द वेरियस फ्लोर थ्रू लैंडिंग और लोबीज। लोबीज का मतलब होता है जहां हम प्रवेश करते हैं, जो खुला एरिया होता है उसको लोबी बोलते हैं। फ्रॉम बोथ द फ्लोर्स एरिया एंड स्टेयरकेस बाय फायर रेजिस्टिंग डोर्स एंड ओपन टू द आउटर एरिया। तो ये हुआ फायर टावर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है फ्लोर एरिया रेशियो, जिसको हिंदी में कहेंगे तल क्षेत्र अनुपात। तो ये क्या होता है, द कोशेंट यानी भागफल ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कवर्ड एरिया, जिसको प्लिंथ एरिया भी बोलते हैं, ऑफ ऑल द फ्लोर्स यानी जितने भी फ्लोर हैं उन सब के फ्लोर एरिया को ऐड करने के बाद में जो एरिया आता है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लॉट, तो इसको हम बोलते हैं FAR। अगर फॉर्मूले के रूप में देखें तो FAR इज इक्वल टू टोटल कवर्ड एरिया ऑफ द ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। अब प्लिंथ एरिया क्या होता है, जिसको हिंदी में कुर्सी क्षेत्र बोलते हैं। The build-up covered area measured at floor level of the basement or any story, यानी जो total build-up area होता है उसको हम plinth area बोलते हैं। ये basement भी हो सकता है और किसी भी story का हो सकता है, किसी भी मंजिल का हो सकता है। उसके बाद में fifth है high-rise building यानी ऊंची इमारतें, और गगनचुंबी इमारतें भी बोल सकते हैं हम इसको। एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 यानी नेशनल बिल्डिंग कोड का जो पार्ट 4 मैनुअल है उसके अनुसार सभी प्रकार की इमारतें जो 15 मीटर या उससे ऊंची हो हाइट के अंदर, दे आर ऑल आर शैल बी कंसीडर्ड एज हाई राइज बिल्डिंग। इसके बाद में सिक्स्थ है ये ऊष्मा के बारे में है, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस यानी किसी भी पदार्थ के एक यूनिट मास का टेम्परेचर
एक डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, और इसकी यूनिट है जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में सेवंथ है लेटेंट हीट, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में गुप्त ऊष्मा। द थर्मल एनर्जी और द हीट ऑफ ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू ए गैस और वेपर, यानी वह थर्मल एनर्जी किसी भी पदार्थ की जो उसकी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए या लिक्विड को गैस या वेपर में बदलने के लिए एब्जॉर्ब की जाती है, शोषित की जाती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। इट इज मेजर्ड इन जूल्स पर यूनिट मास, यानी इसकी जो यूनिट है वो है जूल पर केजी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म है वो है अग्निशमन एजेंट, यानी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि आग को बुझाने के काम में आते हैं। द सब्सटेंस कंटेंड इन ए फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम व्हेन डिस्चार्ज्ड ऑन टू द फायर, जब कभी आग लगती है और इस आग पर इन केमिकल्स को डाला जाता है तो आग बुझ जाती है, विलुप्त हो जाती है, एंड इज इंटेंडेड टू प्रोड्यूस एक्सटिंक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है वो है हॉरिजॉन्टल एग्जिट, यानी क्षैतिज दीवार द्वार, एन अरेंजमेंट विच अलाउ अल्टरनेटिव इग्रेस, इग्रेस का मतलब होता है निकास, एन अरेंजमेंट विच अलाउज अल्टरनेटिव इग्रेस फ्रॉम ए फ्लोर एरिया टू अनोदर फ्लोर एरिया और नियर द सेम लेवल इन एन एडजोइनिंग बिल्डिंग और एन एडजोइनिंग पार्ट ऑफ द सेम बिल्डिंग विद एडिक्वेट फायर सेपरेशन। तो ये जो बाहर निकलने का रास्ता है सेम फ्लोर के ऊपर या एक फ्लोर में एडजोइनिंग बिल्डिंग के अंदर, वो हॉरिजॉन्टल एग्जिट कहलाती है। नेक्स्ट टर्म है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो कोई बिल्डिंग होती है उसके कौन कौन से तत्व हैं, संरचना के तत्व। इसके अंदर द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड, फर्स्ट है ए मेंबर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ ए बिल्डिंग और एनी अदर बीम और कॉलम, सेकंड है लोड बियरिंग वॉल और लोड बियरिंग पार्ट ऑफ द वॉल, थर्ड है ए फ्लोर यानी फर्श, फोर्थ है टू गैलरी, फिफ्थ है एन एक्सटर्नल वॉल यानी बाहर की दीवारें हैं, और सिक्स्थ है एक कंपार्टमेंट वॉल। कंपार्टमेंट वॉल के अंदर इंक्लूडिंग ऑल कॉमन टू टू और मोर बिल्डिंग्स, यानी दो कोई एडजॉइनिंग बिल्डिंग है तो उनकी जो कॉमन वॉल है वो भी वो कंपार्टमेंट वॉल कहलाती है। तो इस प्रकार किसी भी बिल्डिंग के जो प्रमुख एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। नेक्स्ट है अनसेफ बिल्डिंग, यानी असुरक्षित इमारतें। असुरक्षित इमारतें किनको कहेंगे, ए बिल्डिंग विच इज स्ट्रक्चरली अनसेफ, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है वो असुरक्षित हो। दूसरी है इज इनसेनेटरी, यानी जो जहाँ जो कि मैली हो, जहाँ पे गंदगी वगैरह हो। थर्ड है इज नॉट प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट मीन्स ऑफ एग्रेस, यानी जिसमें बाहर निकलने के लिए पर्याप्त रास्ते न हो, निकास न हो। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूएंट ए फायर हैजार्ड्स, यानी जिसमें आग लगने के खतरे भी हों। फिफ्थ है ए डेंजर इज डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, जिसमें व्यक्तियों का ह्यूमन का रहना भी खतरनाक हो। और सिक्स्थ है
इन रिलेशन टू इट एग्जिस्टिंग यूज कॉन्स्टिट्यूएंट ए हजार्ड टू सेफ्टी और हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर बाई रीजन ऑफ इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, यानी उसकी प्रॉपर रख रखाव नहीं किया गया हो। डिलेपिडेशन, डिलेपिडेशन का मतलब है कि वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, टूटी फूटी हो या पुरानी हो गई। और अबंडनमेंट, अबंडनमेंट मतलब उसमें कोई रहता ना हो, वो काफी समय से खाली हो। तो ये इस प्रकार के जो बिल्डिंग्स होती हैं वो कहलाती हैं असुरक्षित इमारतें। नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेंटिलेशन, जिसका हिंदी में टिपिकल वर्ड है संवातन। कई बार एग्जाम में आता है तो संवातन हिंदी में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर इंग्लिश में देखें तो वेंटिलेशन हम काफी सुनते हैं। वेंटिलेशन का मीनिंग होता है, अर्थ होता है सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर इनटू, यानी बाहर की सप्लाई, एयर की सप्लाई अंदर, और रिमूवल ऑफ द इनसाइड एयर फ्रॉम एन एनक्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। जो नेक्स्ट है वो है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का सिंपल अर्थ है फवारा, ए डिवाइस दैट सील्स एन एपर्चर इन द पाइप वर्क ऑफ ए स्प्रिंकलर सिस्टम दैट ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, यानी वो स्वतः ही ऑपरेट होती है एट ए प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर एंड डिस्चार्ज वाटर इन ए रेगुलर पैटर्न ओवर द एरिया ऑफ द ओवर द एरिया बिलो इट। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी स्वचालित फवारा पद्धति। ये एक प्रकार की फवारा पद्धति होती है, सिस्टम ऑफ वाटर पाइप्स, इसमें बहुत सारे वाटर पाइप्स जुड़े हुए होते हैं। वाटर पाइप्स फिटेड विद स्प्रिंकलर हेड एट सुटेबल इंटरवल्स एंड हाइट, यानी वो एक स्पेसिफाइड दूरी पर जुड़े हुए रहते हैं, फिटेड रहते हैं, और एक स्पेसिफाइड हाइट पर, एंड डिजाइन टू एक्चुएट। एक्चुएट का मीनिंग है चलना, एंड डिजाइन टू एक्चुएट ऑटोमेटिकली, यानी वो ऑटोमेटिकली अपने आप चलते हैं। कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश ए फायर बाय डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी वो जो आग है उस पे पानी की फवारे करके आग को रोका जा सकता है। तो ये है ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट है वेटराइजर, एन अरेंजमेंट फॉर फायर फाइटिंग विद द बिल्डिंग बाय मींस ऑफ वर्टिकल राइजिंग मींस ऑफ नॉट लेस देन 100 mm डायमीटर विद लैंडिंग वाल्व ऑन ईच फ्लोर ऑब्लिक लैंडिंग फॉर द फायर फाइटिंग पर्पजेज एंड परमानेंटली चार्ज्ड विद वाटर, यानी इनमें वाटर है वो परमानेंटली फिल्ड रहता है फ्रॉम ए प्रेशराइज्ड सप्लाई, किसी एक प्रेशराइज्ड सप्लाई द्वारा वाटर भरा हुआ रहता है। तो ये टर्म हुई वेटराइजर। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेक इफेक्ट, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है। बोर्ड के पेपर में जो फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें इस प्रकार के पांच टर्म आते हैं जिनको कि हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जो आज का लेक्चर है वो काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने टोटल 21 प्लस 7, पहले मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, तो 28 टर्म्स जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो स्टैक इफेक्ट क्या होता है? स्टैक इफेक्ट इज द वर्टिकल नेचुरल एयर मूवमेंट फ्रॉम द बिल्डिंग कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटीज बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड एयर। दिस स्टैक इफेक्ट प्लेज ए विटल रोल इन स्मोक मूवमेंट, यानी जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो जो धुआं होता है वो जहां आग लगती है वहां से स्वतः ही वो बाहर निकलता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटीज। नेक्स्ट है वाटर हैमर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है
जल घन, यानी या तो जल घन, इसको हम जल हथौड़ा भी कह सकते हैं। तो ये इसके बारे में देखते हैं। इफ वाटर फ्लो इन ए पाइप इज शट ऑफ सडनली, यानी किसी पाइप में पानी बह रहा हो और वो किसी वजह से अचानक रुक जाए, तो द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग वाटर इज इंस्टेंटेनियसली कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी व्हिच रिजल्ट्स इन सडन सोक एंड जनरेशन ऑफ प्रेशर वेव थ्रू द कॉलम ऑफ द वाटर। दिस इज नोन एज वाटर हैमर। नेक्स्ट, जिससे कि आप कई बार इस शब्द टर्म को आपने सुना होगा, लिक्विफिएबल पेट्रोलियम गैसेस, द्रवित पेट्रोलियम गैसेस। ये क्या होती हैं? दोज फ्लेमेबल गैसेस ड्राइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन सीरीज, फॉर एग्जांपल मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दैट कैन बी रिटेन्ड एज ए लिक्विड और वेपर मिक्सचर इन प्रेशर वेसल्स। यानी ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि किसी प्रेशर वेसल्स में लिक्विड, द्रव या वेपर के रूप में उपस्थित होते हैं, बट वेपोराइज्ड ऑन रिलीज टू एटमोस्फेरिक, और जब ये एटमोस्फेयर में रिलीज होती हैं तो वो वेपर में, वेपर के रूप में बाहर निकलती हैं। जो हम घर में गैसेस यूज करते हैं आजकल, वो यही है, एलपीजी गैस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यानी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली। इस प्रणाली में द कंप्लीट चेन ऑफ साउंड इक्विपमेंट, साउंड इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, कंपराइजिंग एसेंशियली ऑफ माइक्रोफोन्स, एम्पलीफायर्स और लाउड स्पीकर्स। यानी जब हम बोलते हैं तो आवाज दूर तक सुनाई देती है। रिक्वायर्ड टू रीइंफोर्स द साउंड इनिमेटिंग फ्रॉम ए सोर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, इमिनेटिंग का मतलब निकलना, फ्रॉम ए सोर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिक्वेट लाउडनेस। लाउड का मतलब थोड़ा प्रबल रूप से, फॉर कंफर्टेबल हियरिंग बाय द ऑडियंस। ऑडियंस यानी दर्शक, जो उस आवाज को सुनते हैं, देखते हैं, उनको वो आसानी से और साफ रूप से सुनाई दे। तो इस प्रकार ये एक साउंड इक्विपमेंट्स की चेन होती है। जब कभी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो हमें जो उस बिल्डिंग की जो रहने वाले लोग हैं उनको बताना पड़ता है कि भी आप सेफ जगह में जाइए, उस जगह ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मीन्स ऑफ इग्रेस। इग्रेस का मतलब निकास, यानी बाहर निकलने के रास्ते। ए कंटिन्यूस एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड, एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब बिना रुकावट के, और कंटिन्यूस मतलब लगातार। वे ऑफ ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट इन ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर टू ए प्लेस ऑफ कंपेरेटिवली सेफ्टी। यानी किसी बिल्डिंग में ऐसा रास्ता जो कि कंटिन्यूस हो और बिना किसी रुकावट के हो, ताकि जब कभी किसी बिल्डिंग में कोई कैजुअलिटी होती है, आग लगती है, तो ये रास्ता जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनको सेफ स्थिति में ले जाने के लिए काम में लिया जाता है। और लास्ट है पायरोलिसिस, इसको हिंदी में कहते हैं ताप विघटन। ये क्या है? इरिवर्सिबल केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ए मेटीरियल, या मेटीरियल से मतलब है कार्बोनिक मेटीरियल, ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये ताप विघटन कहलाता है और इसमें लगभग 430 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए उसे, या उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसमें खास बात यह है कि ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार आज हमने विभिन्न प्रकार की टर्म्स, शब्दावलियां का अध्ययन किया, जो कि आपके इस सब्जेक्ट में जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, अलग अलग
चैप्टर्स में, तो ये टर्म्स काम में आती हैं। इसलिए आज इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने इन टर्म्स को आपको समझाने की कोशिश की है। आज के इस ई लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।